दशहरा के शुभ अवसर पर नवनिर्वाचित जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा सफाई केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती जी पतंजलि योग पीठ स्थित संत कुटीर पहुँचे। यहाँ पर उमा भारती जी का स्वामी जी ने स्वागत किया तथा सुश्री उमा भारती जी ने भी स्वामी जी का तिलक लगाकर आशीर्वाद मांगा। गंगा का उद्धार भगवती शक्ति का, मातृ शक्ति का और पूरी दिव्यता का प्रतिनिधित्व करती है उमा दीदी। और गंगा से लेकर के जल संसाधन और रूरल डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा दायित्व आपने मोदी जी ने दीदी को दिया है और इस दिशा में बहुत बड़ी भूमिका। बाबा के आशीर्वाद से ही मुझको भारी विजय प्राप्त हुई। बाबा को बहुत चिंता लगी थी मेरे झांसी लोकसभा सीट से जीतने की, और जैसी चिंता बाबा ने मेरी करी वैसी चिंता देश में सभी सीटों पर जहां भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे उनकी चिंता करी है। और आज गंगा दशहरा है और ईश्वर की कृपा से मुझको नरेंद्र मोदी जी ने गंगा दी हुई है। मेरे विभाग में जल संसाधन है, नदी विकास है और गंगा संरक्षण है। पहले एक गंगा रक्षा सेल था जिसके संयोजक बाबा जी ही थे और बाबा जी के ही प्रयासों से गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसलिए मैं आज बाबा जी का अभिनंदन करने के लिए और इसके साथ ही साथ आगे गंगा का कार्य सुचारू रूप से चले इसमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो और गंगा अविरल निर्मल और निर्बाध होकर के बहें, और जो पैरामीटर्स गंगा पे हैं वही हम यमुना पर और अन्य नदियों पर भी हम लागू करेंगे। उन पैरामीटर्स को तैयार करने से पहले हमें बाबा जैसे महापुरुषों का, हमने बाबा को कहा कि आपने हमें चुनाव जिता दिया, हमारी सरकार बना दी, इतने से काम नहीं चलेगा, अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसको ठीक से कैसे करें। और इसलिए हमने बाबा से कहा कि हमको अब गंगा को अविरल निर्मल और निर्बाध बहे और गंगा के यही पैरामीटर्स अन्य उन नदियों पर भी लागू हों जो धार्मिक और आस्थाक और विज्ञान और पर्यावरण की दृष्टि से महत्व रखती हैं, तो उसमें हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो आज का दिन बड़ा उत्तम है, मैं बाबा को प्रणाम करने आई, बाबा का अभिनंदन करने के लिए आई और मैं तो जो भी हूँ वो बाबा के आशीर्वाद से। भूमिका क्या होगी बाबा जी की इस पूरे आंदोलन में, अगर भूमिका की? बाबा ने तो हम सबकी भूमिका तय की हुई है, हम लोगों की औकात नहीं है कि हम बाबा की भूमिका के बारे में सोचें। हमारी जो बातचीत हुई है उसमें बाबा ने मुझे कहा है कि उनका पूर्ण सहयोग और संरक्षण मुझे इस विषय पर रहेगा। मैं बहुत जल्दी पूरे देश के समस्त साधु समाज को अपील करूंगी और बाबा को भी मैंने अपील की है कि हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। और जो सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने कि गंगा या नदी संरक्षण के लिए काम किया है, उन समस्त सामाजिक संस्थाओं को और पूरे विश्व की समस्त सामाजिक संस्थाओं को जो जिन्होंने काम किया है, मैं आपको बताऊं, एक थेम्स में काम हुआ है तो राजस्थान में एक बहुत गरीब आदमी ने अपने गांव की नदी को बचाने का काम किया है। तो जिनने थेम्स में काम किया है वो भी, और जिनने अपने अपने गाँव में छोटी छोटी नदियों को भी बचाने का काम कर लिया वो भी, वो समान रूप से महत्व रखेंगे हमारे लिए। और इसलिए मैंने आदरणीय बाबा को निवेदन किया है कि बहुत जल्दी हम पूरे भारत के और भारत से बाहर के भी लोग जिनने नदियों को अविरल और निर्मल बनाने के लिए काम किया है, वो उन समस्त साधु संतों को भी जो इसमें काम कर रहे हैं, हम उनको बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा गंगा मंथन हम दिल्ली में करने वाले हैं। और इसमें हम सभी प्रकार के सामाजिक संस्थाओं को जिनने आध्यात्मिक या वैज्ञानिक भाव से काम किया है उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके और उनके निष्कर्ष हम प्राप्त करेंगे। और इसके पहले जैसा कि मैंने प्रेस में बताया है कि हमने परसों पर्यावरण, पर्यटन, जहाजरानी और अपने गंगा संरक्षण और नदी विकास और जन संसाधन विभाग के बैठक की, हम सब मंत्री बैठे थे और हमारे सचिवगण बैठे थे, और हम सब ने ये विचार किया कि एक महीने के अंदर हमारे जो सचिवगण हैं वो समय समय पर बैठते रहें और अन्य विभागों के सचिवों की आवश्यकता पड़े तो उनका सहयोग लेते रहें, हमें भी अन्य विभागों के मंत्रियों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनका सहयोग लेते रहें और हम लोग एक किसी निष्कर्ष पे आ जाएं।
उसी निष्कर्ष के साथ हम उसी समय पर सामाजिक संस्थाओं को और साधु संतों को भी हम बुला लेंगे, क्योंकि उनके बिना तो हमारा काम चलेगा ही नहीं नदियों पर और गंगा के विषय पर। मूलतः जल को, नदियों को, धरती को बचाने का काम तो साधु संतों ने ही किया है। वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में ही भगवान राम राम राज्य स्थापित कर पाए थे, इसलिए बाबा के मार्गदर्शन में ही यह कार्य होगा। पूज्य स्वामी जी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि माँ गंगा की सेवा में वे जो भी कार्य करेंगी हम उसमें सहयोग देंगे। गंगा मात्र एक नदी नहीं, वह हमारी माँ है और गंगा के किनारों पर ही हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और वहाँ हमारी संस्कृति और सभ्यता की अविरल धारा है। और गंगा का संरक्षण, गंगा की श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक जो उसमें इस बीच के कालखंड में जो भी छेड़छाड़ हुई, अब उसको पुनः उसकी दिव्यता में लाने का काम कोई आध्यात्मिक शक्ति संपन्न आत्मा ही कर सकती थी। तो मैं श्रद्धेया उमा जी को उसी भागवत शक्ति के दिव्यता के रूप में देखता हूँ कि वो निष्काम और निर्लोभ भाव से इस अनुष्ठान को संपन्न करेगी। पहले भी गंगा को लेकर की योजनाएं जो बनी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हमने आंदोलन चलाया, 600 जिलों में उसको राष्ट्रीय नदी घोषित कराया, हजारों करोड़ का बजट बना, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो आदरणीय दीदी जो करेंगी वो गंगा के लिए करेंगी, उनके लिए गंगा जो है कोई उनका पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, वह उनके लिए एक अनुष्ठान है, उनकी वह पूजा है। इसलिए जो भी कार्य गंगा के लिए होगा वो शुद्धता से होगा, प्रामाणिकता से होगा और श्रद्धा दीदी के नेतृत्व में, उमा जी के नेतृत्व में यह कार्य परिणाम तक निश्चित रूप से पहुंचेगा। गंगा जी को लेकर के जो भी कार्य उमा जी करेंगी उस कार्य को पूरा हमारा सहयोग रहेगा। योग और आदरणीय उमा जी का गंगा जी के कार्य में सहयोग, यह हमारा मिशन रहेगा। इस अवसर पर सुश्री उमा भारती जी ने पतंजलि योग पीठ स्थित गुरुकुल के ब्रह्मचारियों एवं सेवाव्रती भाई बहनों को भी संबोधित किया। आज का यह पवित्र पावन दिवस और इस पवित्र पावन दिवस पर यह 8 जून मुझे विशेष रूप से स्मरण आ रहा है। इसी मंच पर, यहीं पर 8 जून 2008 को सभी संतों ने मिलकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आज ही के दिन 6 वर्ष पूर्व गंगा रक्षा मंच का संयोजक यहाँ सबने एक मत से स्वीकार किया था कि पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में गंगा रक्षा की लड़ाई लड़ी जाएगी और माँ गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाएगा। और वह नेतृत्व ने 18 सितंबर को तय किया था कि 18 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर एक जन आंदोलन होगा। 18 सितंबर को एक जन आंदोलन हुआ, परम पूज्य स्वामी जी महाराज कानपुर में रहे और उस राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 2008 में कानपुर में था और पूरे देश भर में 18 सितंबर 2008 को आंदोलन हुआ। एक लक्ष्य था गंगा की अविरलता, गंगा की निर्मलता, जल संसाधनों का जो दोहन हो रहा है उसे रोका जाए, जल जंगल जमीन को बचाया जाए। इस लक्ष्य को लेकर पूरे देश भर में जब भारत स्वाभिमान का गठन भी नहीं हुआ था तब की बात कर रहा हूँ, पतंजलि योग समिति और महिला पतंजलि योग समिति के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश भर के सभी सामाजिक संगठनों ने, आध्यात्मिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने एक साथ मिलकर हुंकार भरी थी। और मुझे याद है कि उस हुंकार की ही वजह से 3 दिन के अंदर माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं अन्य संत मंडल को बुलाया था और 3 दिन बाद गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया था गंगा रक्षा मंच के उस बैनर के तले। तब से लेकर अब तक गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कई बार गंगा रक्षा मंच में बहुत से अनेक
धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक संगठनों को साथ लेकर गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए कार्य ही नहीं किए, उसके लिए संघर्ष किया, आंदोलन किए। आज यह दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 8 जून को गंगा दशहरा है और गंगा पुत्री हमारे मध्य में है। एक बार हम सब की ओर से दीदी साध्वी उमा भारती जी का पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। हम आज हर्षित हैं, उल्लासित हैं। हमारी बड़ी बहन जल संसाधन मंत्री के रूप में केंद्रीय स्तर पर माननीय मोदी जी ने उन्हें यह बहुत बड़ा दायित्व दिया है और सबसे बड़ी बात है उन्हें गंगा की सेवा का दायित्व मिला है। यह मुझे लगता है कि उनके जीवन का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमें भी बहुत अति प्रसन्नता है कि एक ऐसी दीदी को जो पहले से जीवन पिछले कई वर्षों से दसियों वर्षों से माँ गंगा के लिए संघर्षरत रही हैं। मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन करूँगा कि वह आगे का उद्बोधन दें, मार्गदर्शन दें। पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धेया दीदी का एक आत्मीय संबंध तो हमारा युगों युगों का है, वो तो शाश्वत है, लेकिन जो सामयिक कुछ प्रसंग होते हैं उनकी एक महिमा होती है। श्रद्धेया बहन एक कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार पतंजलि योगपीठ में आई हैं, उस दायित्व को लेने के बाद, तो पूरे योगपीठ परिवार की ओर से दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन है। हम लोग अथर्वेद में पढ़ा करते थे, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। आध्यात्मिक तप से ही नेतृत्व करने वाले वो इस देश को दिव्यता प्रदान और भव्यता प्रदान करते हैं। और भगवान ने उनको एक बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है, उनके लिए गंगा एक मिशन है, उनके लिए एक अनुष्ठान है, उनके जीवन का मकसद है और उसमें वो प्रतिपल जीती हैं। बल्कि चुनाव से पहले भी हमारी बहुत लंबी वार्ता हुई तो उनके लिए गंगा ही एक आराध्य उनके जीवन का बन चुकी थी। ऐसे उस परिस्थितियों में जब उनको एक बड़ा दायित्व मिला है और इस क्षेत्र में भी हम सब उनका के साथ हमराही होकर के इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो गंगा का प्रश्न है, जल संसाधनों का प्रश्न है, राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है। श्रद्धेया दीदी सबको आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन देकर के आगे प्रस्थान करेंगी। और क्योंकि आज गंगा दशहरा का पवित्र दिन है और लाखों लोग जो है अब वो गंगा के स्नान के लिए दिल्ली से और चारों तरफ के रास्तों से हरिद्वार की ओर एक बहुत बड़े वेग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी में विलंब भी हुआ दीदी को। दीदी सबको अपना आशीर्वाद दें और उसके बाद फिर आगे। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय स्वामी जी तथा उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, स्वामी जी से मेरी मुलाकात 2004 में हुई थी, तिरंगा यात्रा के बाद, जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी ही थी और तिरंगा यात्रा मेरी समाप्त हुई थी तब मिली थी। उसके बाद मैं समय समय पर स्वामी जी से मिलती रही और एक समय ऐसा आया जब गंगा रक्षा सेल के इंचार्ज स्वामी जी बने। उसके बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक गंगा अभियान करके एक प्रकोष्ठ बना और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में वापस हुई तो मुझे उसका इंचार्ज बनाया गया। भगवान की दया से हमने गंगा के विषय में जो अभियान किए उसी का परिणाम निकला कि इसके पहले के जो अभियान थे उनसे हमने बहुत सारी बातें सीखी और हमने ये नहीं माना कि हम कोई विशिष्ट जन हैं या हमारा कोई विशिष्ट अभियान है, बल्कि हमने ये माना कि हम भी एक उसी में एक प्रयास हैं। जैसे कि भागीरथ के समय से प्रयास चले हैं गंगा को अविरल, निर्मल और निर्बाध बनाने के। तो बहुत लाखों करोड़ों लोगों ने तपस्या करी है या कोई ना कोई तरीके से गंगा को अविरल, निर्मल और निर्बाध वो बहती रहे, इसमें अपने सहयोग किए हैं। जब मोदी जी
बनारस में चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए तो मैं तो तुरंत समझ गई थी कि उनको गंगा ने बुला लिया, और उन्होंने कहा भी कि मुझे तो गंगा ने बुलाया है। मुझे बहुत दिनों से वेद का व शास्त्र का अध्ययन छूट गया, लेकिन या तो कठोपनिषद या मुंडकोपनिषद का पहला ही श्लोक है शायद, जिसका भावार्थ यह है कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है। उसमें यह है कि भगवान जिसके बारे में तय कर लेता है उसी को भगवान प्राप्त होते हैं। मतलब हमारे तय कर लेने से भगवान प्राप्त हमें नहीं होते, बल्कि ईश्वर निश्चय करता है कि हमें इसको प्राप्त होना है और वो उसको प्राप्त होते हैं। मुझे लगता है कि गंगा ने भी स्वयं तय किया होगा पूरा कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए बनारस आ जाए, और जैसे ही, क्योंकि मुझे कई दिनों से लोग कह रहे थे कि मोदी जी यूपी से भी कहीं से लड़ सकते हैं, लेकिन मैं इससे आगे पूछती नहीं थी। जो बातें करते थे वो बता सकते थे, लेकिन मैं पूछती ही नहीं थी, क्योंकि मैं स्वयं भी चुनाव लड़ रही थी तो मैं नहीं पूछती थी। जैसे ही मैंने सुना कि वाराणसी का फैसला हो गया तो मुझे तुरंत वो श्लोक याद आया जो मुझे पहले याद था, अभी भूल गया, दिमाग से निकल गया, अभी कुछ दिनों से निकल गया, 6-7 महीने से। वो है ना, संतन को कहाँ सीकरी से काम, आवत जात पन्हैया टूटी और विषय गरे हरि नाम। तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें भूल जाती हैं बहुत सारे द्वंद्व में रहने के कारण। तो उसका अर्थ यही है कि गंगा ने ही, मतलब भगवान बुला ले, भगवान पहुँच जाते हैं उस व्यक्ति के पास जिसको वो चुन लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद भारत माता की आत्मा ने दिया, और मैं मानती हूँ कि उनके दो जन्म हुए, एक जन्म माता की कोख से हुआ और एक भारत की जनता की आकांक्षाओं की कोख से उनका जन्म हुआ। और इसी प्रकार से उनको माने बुला लिया गंगा ने कि वाराणसी के तट पे आओ, तो गंगा के सारे काम आसान हो गए। और अब उन्होंने गंगा को अलग मंत्रालय का दर्जा दे करके बहुत बड़ा काम किया, गंगा के लिए एक प्रयास शुरू हो गया, पहला कदम हो गया। इसमें अब हम साधु संतों के मार्गदर्शन से ही ये काम संभव होगा। अधिकारियों ने भी बहुत ज़्यादा अध्ययन जिन्होंने किया है, वैज्ञानिकों ने, पर्यावरणविदों ने, और जो गंगा एक्शन प्लान और गंगा बेसिन अथॉरिटी से जुड़े हुए जो अधिकारी गण भी रहे हैं, उन सबको भी अनुभव तो है ही कि क्यों नहीं, कितना हो पाया वो क्यों हो पाया, और जो नहीं हो पाया वो क्यों नहीं हो पाया। तो उन सारी चीज़ों को मेल करके ही हम इस काम में निश्चित रूप से, माँ से आज मैं गंगा दशहरा पे, इसलिए आज मैंने महाराज जी को कहा भी, लेट बहुत हो गई, मुझे माफ़ करना, हम चले हैं 3:30 बजे सवेरे दिल्ली से, और इसलिए चले थे कि हम 6:30 तक आ जाएंगे, यहाँ नहा धो लेंगे और ठीक 8 बजे आप लोगों से, महाराज जी की इच्छा थी, महाराज जी को हम प्रणाम करेंगे पहले और फिर आप लोगों से हम मिलेंगे। हमने ही कहा कि हमें महाराज जी से मिलना है, हमने ही कहा आशीर्वाद लेना और फिर जाके गंगा जी में स्नान करेंगे, क्योंकि गंगा स्नान से पहले स्नान करना चाहिए, ऐसे हमारे यहाँ नियम है, पहले घर में स्नान करो फिर जाके गंगा में स्नान करो, अशुद्ध शरीर के साथ गंगा में स्नान मत करो। तो इसलिए हम यही सोचे थे कि पहले यहाँ स्नान कर लेंगे, महाराज जी को प्रणाम करेंगे, फिर पता लगा कि आप लोगों से मुलाकात रखी, जयदेव जी ने बताया, तो आप लोगों से मिल लेंगे और सारा कार्यक्रम 8:30 बजे ख़त्म हो जाएगा, और फिर आगे गंगा में स्नान करेंगे और फिर दिव्य प्रेम सेवा मिशन में जहाँ रुकना है वहाँ चले जाएंगे, और गंगा अभियान में जितने जो लोग जुड़े रहे हैं उनको हमने आज बुलाया हुआ है वहाँ पे, 11 बजे से उनकी बैठक थी। तो अब तो सब गड्ढम गड्ढ हो गया है पूरा, क्योंकि मुजफ्फरनगर में एक ही जगह पर हम 2 घंटे खड़े रहे, इतना भयानक जाम था। फिर पुलिस आई, पुलिस ने हमको निकाला, इसलिए अब हरिद्वार का भी रोड 4 लाइन का जल्दी हो जाएगा। अच्छी बात है कि नितिन गडकरी जी के पास ये विभाग है और बहुत तेजी से काम करने के आदी हैं, तो हो जाएगा ये काम। तो रास्ता पुलिस ने बनाया फिर, और हमको निकाल के ले गए उधर छुटमलपुर की तरफ और देवबंद की तरफ, उधर से फिर हमको घुमाते हुए बहुत, और उधर भी रास्ते में जाम था क्योंकि वो डाइवर्ट हो रहा था ट्रैफिक उस तरफ, तो कैसे निकाल के लाए हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। और हम तो यहाँ शायद 10:30 तक पहुँच पाए हैं, महाराज जी भी बहुत लेट हो गए, उनके कार्यक्रम बहुत ख़राब हुए होंगे मेरी वजह से, आप लोगों को भी बहुत परेशानी हुई, ये तो बड़ी बड़ी अद्भुत चीज़ है जो हमको यहाँ देखने को मिल रही है। और एक बात है जो भारत से ही तय होनी है, पहले हम मानते थे कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब है वेस्टर्नाइजेशन, हम ऐसा मानते थे, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण को हम एक मानते थे, हम मानते थे कि अगर हम आधुनिक किसी वस्तु का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं तो वो हमें उसका पश्चिमीकरण करना पड़ेगा, ऐसा हमारा सोच था।
मॉडर्नाइजेशन कैन नॉट बी विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, ऐसा दिमाग में था भारत के, जिनके पास राजनीतिक सत्ता थी, जिनके पास प्रशासनिक सत्ता थी और जिनके पास वैचारिक सत्ता थी, वो यही सोचते थे कि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन एक चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, इसलिए हमें डूबना नहीं है ना, इसलिए बाबा रामदेव जी ने ही वो रास्ता निकाला, और रास्ता ये निकाला कि आधुनिकीकरण भी हो सकता है, आध्यात्मिकीकरण के जरिए आधुनिकीकरण हो सकता है, उसके लिए पश्चिमीकरण होना जरूरी नहीं है। और इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट अब भारत में मोदी जी शुरू करेंगे कि आधुनिकीकरण होगा, लेकिन उसके लिए पश्चिमीकरण होना जरूरी नहीं है, भारतीय संस्कृति, भारतीय अधिष्ठान, भारतीय आर्थिक शक्ति, भारतीय ज्ञान की शक्ति, भारतीय श्रम शक्ति, भारत की धरती की शक्ति, भारत की नदियों की जो शक्ति है, वही शक्ति ही आधुनिक विकास का आधार बने। ये जो बात है इसमें बाबा ने पहले ही बहुत बड़ा प्रयोग कर लिया, और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में, आप लोगों का जीवन धन्य हो गया जो आप सब बाबा के सानिध्य में आ गए हो, और मुझे तो स्वयं बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं गंगा दशहरा है, आज गंगा मैया में डुबकी लगाऊंगी और गंगा माँ से यही प्रार्थना करूंगी कि हमने सुना है कि चार युग होते हैं और लोग कहते हैं कि अभी कलयुग लंबा चलेगा, लेकिन आज मैं तो माँ से प्रार्थना करूंगी कि बस अब हो गया कलयुग का अंत करिए और सतयुग का प्रारंभ करिए। माँ सब कर सकती है, माँ में सारी सामर्थ्य होती है, माँ कलयुग को भी बहा के ले जाएगी और सतयुग का प्रारंभ कर सकती है, और ये भूमि और ये महान संत सतयुग के प्रारंभ के लिए, वह दिल्ली में मोदी जी, इससे अच्छा और कोई मेल नहीं हो सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और अपनी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों ने जो मार्ग पकड़ा हुआ है, जो जीवन वृत्ति है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, ऐसे जो भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं और बाकी के सभी लोग जो मौजूद हैं, मैं एक शेर बोलूँगी, बहुत सुंदर है। बुत का मतलब होता है मूर्ति, बुत का मतलब मूर्ति होता है, तो किसी, मुझे याद भी नहीं किसका शेर है वो, बुतो शाबाश है तुम पर तरक्की इसको कहते हैं कि जब ना तरसे तो पत्थर थे पर जब तराशे तो खुदा निकले। जब बने नहीं थे तो पत्थर थे और जब बन गए तो उसी में से भगवान प्रकट हो गया। तो बस आपको तराश दिया बाबा ने, नहीं तरसे तो पत्थर थे और जब तराशे तो खुदा निकले। देखिए जब तराश दिया तो आप में से ही भगवत सत्ता प्रकट हो गई। मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, दीदी के नाते आप लोगों को आशीर्वाद देती हूँ, और बाबा को तो गुरु तुल्य मानती हूँ, इसलिए उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। प्रणाम दीदी। दीदी आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद, प्रेम मिलता रहे और पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद रहे तो कंकर से शंकर बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। एक बड़ा मार्ग मानव से महामानव की ओर अग्रसर होने का पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन में चल रहा है, और आज इस संस्थान में महिला पतंजलि योग समिति की ओर से आपका अभिनंदन करने के लिए आनिया बहन डॉक्टर सुमना जी आपका अभिनंदन कर रही हैं, और आप क्योंकि महिलाओं के गौरव भी हैं, पूरी मातृशक्ति आप पर गौरव करती हैं, और मैं आदरणीय भाई कुलदीप गुप्ता जी जो भाजपा के यहाँ जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि दीदी का अभिनंदन करें पूरे जिले की ओर से, हरिद्वार जिले की ओर से एक बार, क्योंकि जिले में भी उनका प्रथम आगमन है मंत्री बनने के बाद। भाई कुलदीप जी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, भाई कुशल पाल जी सैनी जिला महामंत्री हैं, जिला महामंत्री भाई कुशल पाल सैनी जी, और हमारी बहन अरुणा बंसल जी जिला उपाध्यक्ष हैं, आशु चौधरी जी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री हैं, भाई सुरेश भाटिया जी पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, भाई सचिन बेनीवाल जी, वेद प्रकाश गुप्ता जी, श्रीमती अश्विन चौहान जी, नीता चमोली जी, संगीता गुप्ता जी, बहन संगीता गुप्ता जी, लज्जावती जी, और मंडल अध्यक्ष हैं भाई महेंद्र धीमान जी, संदीप अग्रवाल जी और भाई प्रदीप जी मेहता, बहन शिवांगी त्रिपाठी जी भी आशीर्वाद ले रही हैं, पूज्य महाराज जी से भी आशीर्वाद लेते हुए। भाजपा के हमारे सभी साथियों का यहां पहुंचने पर पुनः हार्दिक अभिनंदन, आपकी ओर से भी भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन जो यहाँ बहुत कर्मठता से भाजपा को, माननीय मोदी जी को एक कमल भेंट किया जिन्होंने, बहुत अपनी कार्यकुशलता से भाई
भारत स्वाभिमान का योगदान यद्यपि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगातार हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में बना रहा। मैं तो माँ त्रिशक्ति को भगवान का जीवंत स्वरूप मानता हूँ धरती पर, और भगवान के बाद यदि किसी की पूजा करता हूँ तो माँ की पूजा करता हूँ। और श्रद्धेया दीदी मेरे प्रति बहुत आदर रखती हैं अपनी ऋषि परंपरा को, क्योंकि वो सर्वोच्च मानती हैं। बड़ी दीदी तो माँ के समान होती हैं, इसलिए वो दीदी सबकी हैं, लेकिन हमारे लिए तो उससे भी बहुत ऊंचा उनका स्थान है। और जब बाबा के लिए वो माँ के स्थान पर हैं तो सबकी दादी माँ नहीं हो गई हैं लेकिन उनको अब जो है, मैं अपने जैसा आज गंगा माँ के चरणों में ये भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो ऊंचाई बहुत अधिक पाएं, लेकिन दुबलेपन में कम से कम मेरी जैसी हो जाए ये उनके लिए प्रार्थना है आज हमारी। और वो निश्चित रूप से अगली बार जब आएंगे तब लगभग लगभग मेरी जैसी होगा। मैं बाबा को चैलेंज देती हूँ कि वो अपने जैसा करके दिखाएं मुझे। तो वो तो हमें करके ही छोड़ना है। तो अब इस देश में मातृशक्ति के ऊपर ही गो माता, गंगा माता, भारत माता, वेद माता को वही दिव्यता, वही उसका पुराना गौरव दिलाने का दायित्व है। तो वो निश्चित रूप से श्रद्धेया उमा जी दिलाएंगे। एक बार सभी बोलेंगे गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की। स्वस्थ।